नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस नए सेशन में। जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि कल राज्यसभा में हमारे माननीय अमित शाह जी ने धारा 370 को हटाने का जो बिल है वो पास करा लिया है राज्यसभा से। ठीक है, तो उसमें क्या क्या बदलाव आएंगे उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और क्या है धारा 370 उसको भी हम जानेंगे, और पहले क्या था और अब क्या होगा उसके बारे में तो काफ़ी चर्चा होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 370, ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल तीन खंडों में विभाजित है, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा, मीन्स 370 एक, 370 दो और 370 तीन। ठीक है, तो कल जो बदलाव होने वाले हैं वो बदलाव हुए हैं 370 दो और 370 तीन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो कल जो बदलाव हुए हैं वो 370 दो और 370 तीन में। ठीक है, जैसा 370 एक था वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इस 370 आर्टिकल के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को कुछ विशेष अधिकार और कुछ विशेष दर्जा दिया गया था, वो हम देखते हैं कि क्या दर्जा था। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात थी कि जम्मू कश्मीर में कोई भी गैर जम्मू कश्मीरी कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो पहला अधिकार संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं, और ये बात है पहले की। ठीक है, पहले संपत्ति नहीं खरीद सकते, अब संपत्ति खरीद सकते हैं। दूसरे अधिकार की बात करें तो जो भारत की संसद है उसको कुछ सीमित अधिकार थे जो जम्मू कश्मीर में वो लागू कर सकती है। ठीक है, या उसके प्रति विधान कोई बना सकती है। तो पहले संसद को सीमित अधिकार, अब संसद को पूर्ण अधिकार हो जाएगा। ठीक है, संसद को पूर्ण अधिकार। पहले क्या होता था, तीसरे पॉइंट की बात करें तो पहले दो नागरिकता होती थी। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की दो नागरिकता होती थी, उसमें पहली होती थी भारतीय नागरिक और दूसरी जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब केवल एक नागरिकता होगी, वो भी होगी भारतीय। ठीक है, एक नागरिकता होगी जो कि भारतीय होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो चौथा पॉइंट है हमारा
झंडा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा था, ठीक है, जो कि अब जम्मू कश्मीर का झंडा खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भारतीय ध्वज यानी तिरंगे का अपमान करना अपराध नहीं माना जाता था, जो कि अब तिरंगे का अपमान अपराध के अंडर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पांचवा पॉइंट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले होते थे उनको जम्मू कश्मीर मानने के लिए बाध्य नहीं था, उसकी मर्जी हो तो वो मान सकता है अथवा नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जम्मू कश्मीर को सर्वोच्च न्यायालय के सारे फैसलों को मानना पड़ेगा, वो उनको मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, ये हमने देखा कि पहले क्या अंतर था और अब क्या अंतर है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 370 में बदलाव किया गया और एक आर्टिकल और बदलाव किया है, जो है आर्टिकल 35A। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 35A। और अगर हम आर्टिकल 35A की बात करें तो उसमें भी चेंज हो कर दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 35A की बात करते हैं हम। आर्टिकल 35 में क्या क्या चेंज किए गए हैं? ठीक है, पहले तो ये देखते हैं कि आर्टिकल 35A है क्या। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं आर्टिकल 35A की। ठीक है, ये आर्टिकल 1954 में जोड़ा गया, अमेंडमेंट करके 1954 में, और 14 मई 1954, ठीक है, इसमें ये जोड़ा गया। और इस आर्टिकल के तहत ये बताया गया है कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा और कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करें कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, तो पहले पॉइंट की बात करें, जो व्यक्ति 14 मई 1954 से पहले, जो व्यक्ति 14 मई 1954 से पहले जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के नागरिक होंगे, यदि यदि उनके पास वहां संपत्ति है, और पिछले 10 वर्ष से वहां रह रहे हैं। ठीक है, 14 मई 1954 से पहले के सभी जम्मू कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति उसके नागरिक होंगे, यदि वो उनके पास वहाँ संपत्ति है और पिछले 10 वर्ष से वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, ये बात जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्राप्त करने की बात है। ठीक है, अब इसमें भी चेंज कर दिया गया, अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक हो सकता है जो भारत में रहता है, क्योंकि वहाँ की नागरिकता अब सेम हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर की कोई स्पेशल नागरिकता नहीं होगी, भारतीय नागरिक स्वतः ही जम्मू कश्मीर के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी आर्टिकल 35A की बात। ठीक है, अब नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं कि राज्यसभा में बिल पास कैसे हुआ।
आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे कि बिना संसद बिना सॉरी बिना राज्य की विधानसभा मींस जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अनुमति के ये आर्टिकल 370 कैसे हटा। ठीक है, तो उसकी बात करें तो पहले से जम्मू कश्मीर में पहले से राष्ट्रपति शासन चल रहा है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन के चलते जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसका विघटन हो गया था और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू है। ठीक है, तो देखिए 370 आर्टिकल 370 में के तीन खंड में यह विधित है कि जो आर्टिकल 370 है वो टेम्परेरी रूप से अस्थाई रूप से लागू रहेगा और बाद में वो हटा दिया जाएगा और उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा, भारत के राष्ट्रपति को होगा। ठीक है, और ये हट सकता है विधानसभा के समर्थन से। ठीक है, ये दो बातों को पूरा करना था और विधानसभा होगी जम्मू कश्मीर की, विधानसभा से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू था तो विधानसभा तो थी ही नहीं, वो तो विघटित हो गई थी, तो उन्होंने सीधा सीधा 370 के लिए बिल लेके आए और उसे राज्यसभा में पास करा लिया। ठीक है, और इधर राष्ट्रपति ने उस बिल को पे साइन किए, तो ऑब्वियसली ये जो सेकंड टर्म था वो तो कैंसिल ही हो गया, तो पहले टर्म से ही हमारा जो आर्टिकल 370 है वो हट गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने वोट मिले और कितने नहीं मिले। ठीक है, पक्ष की बात करें मींस हटाने के पक्ष में टोटल वोट पड़े हैं 125 और जो विपक्ष में पड़े हैं वो वोट पड़े हैं 61। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जो राज्यसभा में पेश किया गया है बिल वो किसके द्वारा पास किया गया। तो वो आप याद रखेंगे, वो है हमारे अमित शाह जी। ये कौन है? ये हैं गृह मंत्री। ओके, ये हैं गृह मंत्री और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर गुजरात। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? गांधीनगर गुजरात। ठीक है, चलिए ओके गाइस, तो यहाँ पे आज का हमारा ये आर्टिकल 370 के बारे में सारी जानकारियाँ ख़त्म होती हैं। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।